हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में किसी भी नंबर के आगे, पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस का साइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है और यहाँ पे कुछ मंथ नेम है। यहाँ पे 2020 का डेटा सेट है, 2021 का, और यहाँ पे उनका जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो देखिए, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके आगे नेगेटिव का माइनस का साइन आपको शो हो रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनके आगे प्लस का साइन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेल इसको एक गैर ज़रूरी समझता है कि किसी भी नंबर के आगे अगर वो नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके आगे प्लस का साइन लगाना वो ज़रूरी नहीं समझता। जैसे कि कुछ पॉजिटिव नंबर के आगे हम 001 करते हैं तो ऑटोमेटिकली 00 हट जाता है, क्योंकि एक्सेल उसको ज़रूरी नहीं समझता, रिडंडेंट वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सपोज कर लीजिए कि हमें अपने पॉजिटिव वैल्यूज़ के आगे प्लस का साइन अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सर डेटा सेट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो डेटा सेट जहाँ पे हम प्लस का साइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे नंबर ग्रुप में देखिए जनरल फॉर्मेटिंग या पहले से अप्लाइड है, और यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का आइकॉन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट सेल जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। इसको हम Ctrl+1 प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो अभी हमारा जो डेटा यहाँ पे जो नंबर शो हो रहे हैं वो जनरल फॉर्मेटिंग में शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक्सेल इसको ज़रूरी नहीं समझता कि किसी पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस का साइन लगाना अनिवार्य है, ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हम कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमने जनरल फॉर्मेट को हटाना है और अपना फॉर्मेट यहाँ पे टाइप करना है। तो अपना फॉर्मेट टाइप करने के लिए सबसे हम प्लस का साइन यहाँ पे सबसे पहली वैल्यूज हमारी पॉजिटिव की होगी, पॉजिटिव वैल्यूज के आगे क्या होगा, प्लस का साइन अप्लाई होगा। फिर दूसरी वैल्यू जो होगी वो निगेटिव की होगी, सॉरी यहाँ पर 0 लगाना है और सेमी कॉलन। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमारी होगी वो निगेटिव वैल्यू होगी, सी फिर को सेमी कॉलन, और थर्ड वैल्यू जो होगी वो 0 की होगी। फोर्थ वैल्यू जो होती है वो टेक्स्ट वैल्यू होती है, लेकिन एक्सेल यहाँ पे फिलहाल हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो पहला नंबर होगा प्लस, जो भी पहला नंबर होगा पॉजिटिव होगा, दूसरी जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको माइनस से हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू को प्लस से और नेगेटिव वैल्यूज को माइनस से डिस्प्ले करेंगे। जो 0 होगा उस 0 से डिस्प्ले करेंगे, टेक्स्ट वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओके प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो देखिए जो हमारी प्लस पॉजिटिव वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस साइन सब पे अप्लाई हो गया, जो नेगेटिव है वो एज इट इज़ है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक 0 टाइप करता हूँ तो 0 का मतलब ये वैल्यू 0 ही शो होगी, इसमें कोई भी दूसरा प्लस माइनस शो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर वैल्यू टाइप किया 52, जैसे ही टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली प्लस का साइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी पूरी की फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, अपने हिसाब से कस्टम फॉर्मेटिंग इसकी कर दी है। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। किसी तरीके से हमारे डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ, ये फॉर्मेटिंग डिस्प्ले करने का ऑप्शन चेंज हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इनको आप प्लस माइनस करते हैं तो जिसका डिफरेंस होगा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। दूसरा, सपोज कर लीजिए कि जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि मोबाइल नंबर्स में प्लस 91 के बाद इस तरह से हमारे पास नंबर डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मोबाइल नंबर दिए, कुछ मोबाइल कंपनीज के कस्टमर केयर के नंबर हैं, किसी इंडिविजुअल के नंबर नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए मुझे किसी मोबाइल नंबर के आगे प्लस 91 अप्लाई करना है, तो मैं जैसे प्लस 91 अप्लाई करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए नंबर 91 आगे ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी नंबर हमारा यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा इस फॉर्मेट में शो होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेटा सेट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाए लेकिन जो डेटा हमारा है, जो नंबर्स है, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो अपने यहाँ पर क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+1 कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग, इसके लिए भी कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जो जनरल फॉर्मेटिंग में अभी शो हो रहा है इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम प्लस 91 टाइप करेंगे और उसके बाद 0। तो देखिए जैसे ही मैंने 0 टाइप किया तो हमारा नंबर यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसको हम जैसे ओके करेंगे तो प्लस 91 सब के आगे अप्लाई हो गया, लेकिन हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो इस तरह से डिस्प्ले करना है।
तो इस तरह डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में चेंजेज और करेंगे। कंट्रोल वन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए ज़ीरो को हटाएंगे और यहाँ पे एक हाइफ़न लगाएंगे और उसके बाद एक ज़ीरो टाइप करेंगे। तो जैसे ही हाइफ़न लगाने के बाद ज़ीरो टाइप किया तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, सैम्पल फॉर्मेट हमें डिस्प्ले हो रहा है कि कैसे हमारा डेटा सेट हमें शो होगा। हमने इसको ओके कर देना। तो देखिए जैसे हमने ओके किया हर नंबर के आगे +91 हाइफ़न अप्लाई हो गया। और जब आप किसी भी नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर जो ओरिजिनल नंबर हमारा पहले था बिना फॉर्मेटिंग के, तो यहाँ पे वो एक सेम वही नंबर हमें डिस्प्ले हो रहा है। देखिए आप किसी भी नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो जो ओरिजिनल नंबर है वो शो हो रहा है यहाँ पे, बाकी +91 उसके आगे शो नहीं हो रहा। तो हमारा जो डेटा सेट है वो एज इट इज़ है, हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज की है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के आगे प्लस साइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।